आए दिन विदर्भ की हालात राजनेताओं की गलत नीतियों के चलते काफी लचर बनी हुई है, जिससे विदर्भ का विकास नहीं हो रहा है। ऐसे में शहर की जनता विदर्भ के उम्मीदवारों को मनपा और विधानसभा चुनाव में मतदान करके अपना आशीर्वाद प्रदान करे, ऐसी मांग विदर्भवादी कार्यकर्ताओं ने पत्र परिषद में की है। इस मौके पर विदर्भ के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। विदर्भ की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ चुकी है। विद्यमान पार्टी के नेताओं के चलते विदर्भ का विकास नहीं हो रहा है। 1938 में खुद अंग्रेजों ने विदर्भ का मुद्दा पास किया था। विदर्भ अलग होना चाहिए, ये मांग बार बार की जा रही है। इस बात को लेकर कई आंदोलन भी हो रहे हैं। फिर भी विदर्भ के साथ सरकार सौतेला व्यवहार करी है। जब तक विदर्भ से विदर्भ पार्टी को उम्मीदवार चुनाव में नहीं जीत पाएंगे, तब तक विधानसभा में विदर्भ की आवाज बुलंदी हो पाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए शहर के तिलक पत्रकार भवन में विदर्भवादियों ने आने वाले मनपा और विधानसभा में अपने उम्मीदवार चुनाव में खड़े रहने का ऐलान पत्र परिषद में किया है। शहर की जनता विदर्भ के उम्मीदवारों को मतदान करे, आशीर्वाद दे, ऐसी जानकारी इस मौके पर प्रदीप देशपांडे इन्होंने बीसीएन समक्ष दी है। किन विषयों को लेकर आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हो और क्या चल रहा है आपके मन में, क्या किस प्रकार से विदर्भ का विकास हो सकता है? मेरा सबसे पहला मुद्दा ये है एजुकेशन। विदर्भ का विकास जभी हो सकता है जब यहाँ सब लोगों को एजुकेशन मिलेगा, और वो भी मैं ये चाहता हूँ कि एजुकेशन के लिए विदर्भ के लोगों को अपने जेब में से एक भी पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए, और गवर्नमेंट ने ये पूरी एजुकेशन जो है अपने हाथ में लेके चलाना चाहिए। विदर्भ पार्टी की ओर से आने वाले मनपा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, कई उम्मीदवार उतारे जाने वाले हैं। ऐसे में विधानसभा के लिए अभी से फील्डिंग लगाई जा रही है विदर्भवादियों की ओर से, और प्रदीप देशपांडे ये उम्मीदवार होने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि लोग जो है विदर्भ को कितना पसंद करते हैं या महाराष्ट्र अखंड रखने में ही वे अपना सौभाग्य समझते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में रहकर विदर्भ का जो अभी भी विकास नहीं हुआ है, वो कब होगा, इस ओर तमाम विदर्भवादियों की निगाहें लगी हुई है। पत्रकार भवन से संजय मीर, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।